दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके फोन से आपके कोई इंपॉर्टेंट फोटोज वगैरह डिलीट हो गए या फिर आपने उन्हें डिलीट कर दिया था लेकिन अब आपको उनकी जरूरत पड़ रही है और आप उन्हें रिकवर करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका फोटो आज डिलीट हुआ है, कल डिलीट हुआ है, एक महीने डिलीट हुआ है, 6 महीने पहले डिलीट हुआ है। आपका फोटो आपने कितने भी पहले डिलीट किया हो, कभी भी डिलीट हुआ हो, उससे आप बहुत आसानी से यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि अपने डिलीट हुए पुराने से पुराने फोटो को आप अपने फोन में किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, अपनी गैलरी में उसको फिर से किस तरह से वापस ला सकते हैं, तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके भी फोन से आपके कोई इंपॉर्टेंट फोटोज वगैरह डिलीट हो गए या आपने कुछ जानबूझ के उसको डिलीट कर दिया था लेकिन अब आप उन सभी फोटोज को वापस रिकवर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों कि मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आपको उस लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से सबसे पहले उस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी उस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल किया हुआ। इस तरह से आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको ओपन करना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो नीचे की साइड आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे लोडिंग की प्रोसेस चल रही है। तो 2 से 5 सेकंड आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। ये टाइम आपका सिर्फ फर्स्ट टाइम में लगने वाला है, नेक्स्ट टाइम जब आप इसको यूज करेंगे तो आपका ये टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको सबसे पहले कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, तो आप सिस्टम पे रहने दें। इसके बाद आपको यहाँ पे राइट टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट का बटन मिलेगा, आपको स्टार्ट पे टैप कर देना है। जब स्टार्ट पे टैप करेंगे आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाता है। अब यहाँ से आप अपने फोटोज को रिकवर कर सकते हैं, अपने मैसेज वगैरह आपके डिलीट हो चुके हैं व्हाट्सअप वगैरह के, तो उसके भी आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। व्हाट्सअप के फोटोज वगैरह को यहाँ से वीडियो रिकवर कर सकते हैं, ऑडियो को भी रिकवर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को भी रिकवर कर सकते हैं। यानी कि ऑल इन वन एप्लीकेशन है दोस्तों, आप अपने फोन से डिलीट हुए किसी भी डाटा को यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे फोटो को रिकवर करना है तो हम फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे, फोटोज को, और फोटो पे सिलेक्ट करेंगे। आपसे कुछ परमिशन मांगेगा आपके स्टोरेज की, तो आपको परमिशन यहाँ से अलाउ कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपसे बोल रहा है टैप टू स्टार्ट स्कैनिंग, तो इस गोल वाले आइकन पे आपको एक बार टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो ये आपके फोन को स्कैन करना स्टार्ट कर देगा और फोन में से आज तक जितने भी फोटोज आपने डिलीट किए हैं या डिलीट हो चुके हैं उन सबको स्कैन करके कुछ ही सेकंड में आपके सामने यहाँ पे ला देगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 4000 से ज्यादा फोटो जिसको यहाँ पे मिल चुके हैं। ये देखिए 5000-6000 पे यहाँ पे संख्या जा चुकी है और अभी भी ये प्रोसेसिंग चल रही है। तो इस प्रोसेसिंग को आपको इसी तरह से कंप्लीट हो जाने देना है। आपके फोन से आज तक जितने भी फोटो आपने डिलीट किए होंगे वो सभी के सभी फोटो सर्च करके आपके सामने ला देगा। अब उसमें से जिस जिस फोटो को आप रिकवर करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके आप सिंगल टैप में उसे वापस रिकवर कर पाएंगे और अपने फोन की गैलरी में उसको सेव कर पाएंगे। तो चलिए इस प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीट हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने फोटोज को रिकवर किस तरह से करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और टोटल इसको 41 फोल्डर मिले हैं जिसमें कि 50,000 से भी ज्यादा फोटोज हैं। तो जितने टाइम से मैं फोन यूज कर रहा हूँ उतने टाइम से आज तक जितने भी फोटोज मैंने डिलीट किए हैं वो सभी फोटोज इसने यहाँ पे सर्च करके मुझे दिखा दिए हैं। अब इसमें से आपको भी इसी तरह से आपके सभी फोटोज देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें से आपका जो भी इंपॉर्टेंट फोटो है जिसे कि आप वापस यहाँ पे रिकवर करना चाहते हैं तो उस फोटो को रिकवर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ से उस फोटो को सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे चलिए मैं आपको इस वाले फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ जिसमें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 206 फोटोज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फोल्डर के अंदर पूरे 131 फोटो इसने बताए हैं। अब इसमें से जिस जिसको आप रिकवर करना चाहते हैं यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करते जाइए, आपके जो जो फोटोज है आप उनको पहचानते जाइए और पहचान के आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उस फोटो को यहाँ से सिलेक्ट करते चले जाना है। जैसे कि चलिए इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से आपको अपने फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। पर टॉप पे देखिए आपको रिकवर का एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे मैंने 3 सिलेक्ट किया तो रिकवर 3 देखने को मिल रहा है। इस पर टैप करेंगे और इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फोटो रिकवर हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ एड वगैरह भी आ जाते हैं कभी कभी तो आपको इनको क्लोज कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे फोटो यहाँ पे रिकवर हो चुके हैं। अब यहाँ से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और यहाँ से व्यू करके भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से व्यू नहीं करूंगा, मैं यहाँ से इसको बैक ले लूंगा और बैक लेने के बाद चलिए मैं आपको यहाँ पे अपनी गैलरी में लेके चलता हूँ। फोटोज वाली एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो के नाम से एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और ये वही फोटो हैं जो मैंने आपके सामने अभी सिलेक्ट किए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों फोटो मेरे यहाँ पर रिकवर हो चुके हैं। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आपके भी फोन से आपके इंपॉर्टेंट फोटोज वगैरह डिलीट हो गए और उन्हें आप वापस रिकवर करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन की हेल्प से और इस प्रोसेस को फॉलो करके आप बहुत आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।